ये सीधी तस्वीरें हम आपको बीजेपी ऑफिस के बाहर से दिखा रहे हैं त्रिकोटा नगर में, जहां इनका हेड ऑफिस है, वहां की दिखा रहे हैं। फिलहाल एक तरफ तस्वीर आप उनके हेड ऑफिस की देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख सकते हैं। ये जितनी भी भीड़ यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये सभी डेली वेजर्स है और लगातार अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज इन्होंने ये ठान किया है कि ना आज किसी को अंदर जाने देंगे और ना ही किसी को बाहर आने देंगे। और सुबह से ही इस तरह का प्रोटेस्ट इनकी तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी इनके कुछ लोग जो हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो अंदर बुलाए गए हैं। जो शुरुआत में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां इनके अभी अंदर लोग बुलाए गए हैं और बातचीत की जा रही है, क्योंकि लगातार इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि बातचीत जब तक हमारी नहीं होती है, जब तक कोई बात नहीं करता है, तब तक यहाँ से हम हिलने वाले नहीं। और लगातार इनकी तरफ से समय समय पर आप प्रोटेस्ट देख रहे होंगे, लगातार इनकी तरफ से अलग अलग नारे, अलग अलग चीजें जो है वो देख रहे हो, गुस्से में हर समय, क्योंकि ये रहते हैं, क्योंकि गुस्सा जाहिर भी है, क्योंकि कई लोग इनके जो है कहीं ना कहीं इसी प्रोटेस्ट में वो खत्म ही हो चुके हैं और आज भी ये लोग इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए हैं, आज यहाँ पहुंचे हैं। क्या कारण सारे ये सब डेली वेजर हैं, जो डेली वेजर हैं सारे, इन्होंने बहुत वादे किए। इन्होंने 15 अगस्त से पहले बोला था भाई 15 अगस्त तक तुम्हें कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, 15 तरीक बाद आज तुम्हें मिला ये हरविंदर रैना ने आख्या। हाँ, कुछ नहीं करना, मगर आने दिखा इन्हें नहीं। अज इतने मिलन भी आया, सारे कछे सर लंघी गए ने, कविंदर गुप्ता गया, सारे कछे लंघी है, बिल्कुल नहीं उन्हें इधर देखा ही भी नहीं। गाड़ी में उधर कर सीधा अंदर चला गया, मगर हम इनको ये दिखाने आए हैं। ये बोलते ना भाई 50 सीटें पार करनी है इस बार, इस बार 50 सीटें क्या, इनको एक भी सीट नहीं मिलनी इधर है। ये धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, ये डेली वेजर ने गल नहीं सीधी करा दे। जोले भी उन्होंने कोई गल करने, जोले मीडिया वाले ने गल कर दे, आधे इंदा मसला हल हो जाना, गल चला दी। सारे यहां टाइम मांगते, कदे महीना मंगी लेंदे, कदे 2 महीने मंगी लेंदे, कदे 15 दिन मंगी लेंदे, फिर असें आपू का आना पौंदा। ये उल्टी पुलिस हल्लांदे सारे, अज इंदे दरवाजे दे विच आणी ढां मारे दे इन्हें, हूं अंदर सदा आखा एक दो बंदा आओ साढ़े ने अंदर गल करो। इन्हें जल्द बोल लैन जाना, उल्ले इन्हें डर नहीं लगना, बोल लैन तो इन्हें जाना ना साढ़े कश। अज इतें अज सारे कश आनी, इतने खड़ोना चाहिए, अज ये साढ़े दरवाजे ढां मारा दे, है ये नहीं आवा दे। कल की इन्हें जल्द साढ़े दरवाजे ढां मारनी ना, अहें इन्हें छित्तर मारना है, छित्तर मारना। अज साढ़े बिच आइए गल की नहीं करते, क्यों नहीं करते? कल जल बोर्ड आने, बोर्ड अहें इतने उड़ देने, इन्हें आनी है बोर्ड का मंगल, इन्हें साढ़े घर ही जाना ना। आखे पहले आखे कि इस बार पंजा पार करी आने, साढ़ी मतिया सीटा है सरकार बना, इन्हें पहली बारी दितिया 25 दी 26 दी 26 सीटा, असें विश्वास है। बाकी पार्टियां साढ़े ने धोखा किया, मगर इन्हें असें हर लीडर ने आखिया साड़ी सरकार आओग, ये डेली वेजर पाउंदी है मुद्दा, डेली वेजर का अहें पक्का करना, मगर बाद च इन्हें साढ़े ने कोई गल नहीं, बाद च इन्हें नजर बढ़ाई दी बिल्कुल नहीं, एले तकर छड़ा साढ़े ने झूठ मारी जाते साढ़े ने गल करिए राजी ने, मगर इन्हें याद दिला दें आइए भी मौका है इलेक्शन आने वाली, अगर साढ़ा डेली वेजरे का मसला हल करी ना, जितने भी बोर्ड हैं 100% बोर्ड ही नहीं देंगे। नहीं कमी कुत्ते है, देखो ना बोर्ड भी तुम्हारे को लेना, चीजा भी तुम्हारे आते करा देनी है, तो फिर चीजा कुत्ते कमी है, कुत्ते की नहीं करा रहा है क्या पता। आज 100% बोर्ड देंगे, आज जिन्ना कविंदर गुप्ता सारे कशे लंघी गया, इन्हें नजर भी उधर नहीं की भाई तुप्पा बैठे, तो कल इन्हें बोर्ड लैन के हिसाब करना होना साढ़े घर, बिल्कुल नहीं आओगे, एक मिनट होना लोगों मगर लगना, इंदा त्रप्पल लिया इंदा मगर लगना, अज ले लैन ये 4 दिन एसी दी हवा ले लैन, जेल्ले भी इलेक्शन आई इंदियां गड्डियां भी गईयां एसी थले भी इन्हें कुछ नहीं बनी, इन्हें दिखे वोट देना या मोदी की दिखे, कई लोग तो मोदी की दिखे वोट देई ओड़दे, नहीं नहीं मोदी का कोई कसूर नहीं है, मगर एक गंदे ने इंदी जगह अगर मोदी को आए और भी खड़े रोग फिर देखे, अगर ये खड़े रहे एक भी वोट नहीं देना, एक भी वोट नहीं देना। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी चोर के नारे भी लगाए जा रहे हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि यहाँ इनके कार्यालय के बाहर आज हम सभी खड़े हैं, यहाँ के इनके मंत्री निकल जाते हैं, धूप में हम खड़े हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति जो है मिलने के नहीं आया। जब वोट देने की बारी आती है तो घर घर हाथ जोड़कर पहुंच जाते हैं, और लोगों को लाइए और अपने साथी लाइए, वोट बीजेपी को दीजिए, लेकिन जब हमारी बारी आती है, हमारे लिए कुछ करने की बारी आती है, लंबे अरसे से जो हम गुहार लगा रहे हैं उस पर कोई अमल जो है वो नहीं किया जाता है। और आज जिस तरह से इनके मंत्री उन्होंने कहा कि यहीं से गुजर के अंदर गए हैं, एक भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया, हालांकि अभी कुछ लोगों को अंदर बुलाया गया है, इनके जो नुमाइंदे हैं वो अंदर गए हैं, अब देखते हैं क्या बात की जाती है, लेकिन लंबे अरसे से गुहार लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी की जा रही है, और अनदेखी किस
समय से की जा रही है, आप समझ सकते हैं सालों से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सालों से अपनी बातों को सामने ला रहे हैं, लेकिन कोई भी तवज्जो जो है इन सभी लोगों पर नहीं दी जा रही है। और इसी तरीके से ये अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, कभी तभी ब्रिज पे होते हैं, कभी सड़कों पर मार्च करते हैं, आज बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं। ये सिर्फ जम्मू से ही नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, हर एक तबके का जो है कैजुअल जो लेबर वर्कर है जो यहाँ पर डेली वेजर एज ए काम कर रहे हैं, जिंदगी दे दी, घर में अभी भी कुछ नहीं है जैसे पहले थे, अभी भी वैसे, उससे भी दयनीय हालत जो है इनकी हो चुकी है, उम्र भी हो चुकी है, क्योंकि यंग जब थे इन्होंने एज ए डेली वेजर ज्वाइन किया था और सोचा था 7-8 साल 10 साल के बाद पक्के हो जाएंगे, लेकिन सालों साल 15-20-25 साल हो चुके हैं, कोई पक्का नहीं हुआ है। और इनके घर की हालत या इनके बच्चों की हालत देखी जाए, कहीं ना कहीं उन जो इनको मेहनताना मिलता है, जो इनको वेतन मिलता है, उसमें पूरी नहीं हो पाती। और यहाँ इसलिए आज फिर से ये लंबे तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं और नारे सीधे तौर पर बीजेपी कार्यालय के बाहर बीजेपी के ही खिलाफ जो है लगाए जा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको बीजेपी कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं। इन चेहरों को आप देखिए, ये वो चेहरे हैं जो रोज काम कर रहे हैं एज ए डेली वेजर, कच्चे लेकिन पक्के अभी तक नहीं हो रहे हैं। और आप स्लोगन भी सुन सकते हैं जो स्लोगन इनके तरफ से लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी चोर है और ये चोर पार्टी है, इनके लोग भी वैसे ही हैं, क्योंकि ये काम हमसे ले तो लेते हैं लेकिन हमारे काम की जब बारी आती है तो हमें कुछ भी नहीं जो है वो दिया जाता। तो सीधी तस्वीरें हम आपको बीजेपी कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं, आप देखना होगा कि क्या बातचीत जो है वो अंदर होती है और उसके बाद क्या इन लोगों को जो है वो आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि आश्वासन जो है वही इन्हें दिया जाता है, उसके अलावा जो इनकी डिमांड है, जो इनकी मांग है, वो कभी जो है वो मानी नहीं जाती। फिलहाल दीजिए इजाजत, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।